भुसावल शहर के खड़का रोड ग्रीन पार्क के पास पाइपलाइन फूटने के कारण हजारों लीटर पानी नष्ट हो गया है। वही पाइपलाइन फूटने की वजह से आसपास पानी जमा हो गया, जिससे आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले नागरिकों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही परिसर के नागरिकों ने बताया कि ये पाइपलाइन काफ़ी समय से फूटी हुई है, जिससे यहाँ पर पानी जमा हो गया और यहाँ पर दो पहिया वाहन स्लिप हो रही है, जिससे नागरिकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका प्रशासन से अपील की है कि यहाँ पर कर्मचारियों को भेज जल्द से जल्द काम कराया जाए। वो कहा कि यहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप हो रही है और यहाँ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन। देखिए नागरिकों ने क्या कहा। पीके टाइम न्यूज लाइव के लिए सदाम हुसैन खाटिक की रिपोर्ट। क्या खड़का रोड के तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और ये जो गड्ढा है, ये जो गंदगी है, ये जो पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है, तो पानी की पाइपलाइन फूटी हुई है, जब नल बंद हो जाते हैं तो यही पानी पानी की पाइपलाइन में चला जाता है वापस और दूषित पानी लोगों के घरों में पहुँच रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आगे स्लिप मार रही है, कम से कम 16 जन गिर गए यहाँ पे। तो प्रशासन से भी मेरी दरख्वास्त है और महानगर अपनी नगर पालिका से भी दरख्वास्त है और सीओ साहब से खास करके एक दरख्वास्त है कि भाई खड़का रोड के ऊपर ध्यान दिया जाए। खड़का रोड पे इतने गड्ढे हैं, ये पाइपलाइन जगह जगह फूटी हुई है, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ये पाइपलाइन जो है कब से फूटी हुई है? ये पाइपलाइन फूटने को कम से कम अभी 15 दिन हो गए, रिपेयर करके जाने के बाद वापस फूट गई है वो। अभी आज ये जो पानी बह रहा है, ये पानी कब से बह रहा है? ये पानी करीबन 10 दिन से पानी बह रहा है यहाँ।